मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की गुलाब पार्क मार्केट एक ऐसी मार्केट जो कई सालों से लोग इस मार्केट में हाथ गाड़ी लगाकर अपना व्यवसाय करते थे, मगर ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर संजीव जायसवाल के आदेश पर कई साल पुरानी मार्केट रास्ता विस्तारीकरण के लिए तोड़ दिया गया। अब ये हॉकर्स बेरोजगार हैं, अब इनके पास जगह नहीं है कि ये कहाँ जाएं और कहाँ अपना व्यवसाय करें। रास्ता विस्तारीकरण के नाम पर इसके पहले भी दुकानें तोड़ी गई थी, अभी तक उन हॉकरों को दुकान मिली है क्या? अगर मिली है तो उन्हें दुकानें खोलने की अधिकार मिला है क्या? सिर्फ नेता हॉकर्स को लॉलीपॉप देते रहते हैं और कहते हैं कि आपको दुकान यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, और मिलता कहीं नहीं है। सिर्फ नेता अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं और स्टंटबाजी करके साइड हो जाते हैं, मगर मजबूर लाचार हॉकर्स जाए कहाँ ये कोई नहीं बताता। गुलाब पार्क मार्केट के हॉकर्सों को एक बार फिर लॉलीपॉप दिया जा रहा है मित्तल ग्राउंड में। गुलाब पार्क मार्केट वालों को अब मित्तल में मार्केट लगाने की जगह दी जा रही है, वो भी हमें के लिए नहीं, यानी फिर इनकी दुकानों पर एक बार जेसीबी चलेगी, यानी फिर इनकी दुकानें एक बार फिर तोड़ी जाएंगी, ये एक बार फिर बेरोजगार होंगे। हाँ, मित्तल ग्राउंड नाले के पास जो जगह दी जा रही है उसमें राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के 400 लोगों को दी जा रही है। इन लोगों को दुकानें लगाने के लिए लगभग 6x6 की जगह दी जा रही है, वो भी 400 लोगों में से 80 लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है, जिसमें मनपा की तरफ से इन्हें कहा गया है कि इन 80 लोगों को भी इसमें एडजस्टमेंट करें। आप लोगों को जो यहाँ मित्तल में मार्केट बनाकर दी जा रही है, एक बार पहले भी आप लोगों को दिया गया था, तो आप लोग उस वक्त क्यों नहीं आए थे और अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? हम उस वक्त भी आए थे और आज भी आए हैं। हम उस वक्त भी आए थे और यहाँ पर हमारा धंधा भी लगा था और हमने यहाँ पर अपना पर्सनली पैसा भी खर्च किए थे। इससे पहले हम जब आए थे तो आप देखे होंगे यहाँ पे हमने अपने पैसे से 7.5 लाख रुपये खर्चा करके पूरा मार्केट को हमने तार पतरी बांधे थे। सच के लिए बारिश का टाइम था उस टाइम पे, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान चालू होने वाला था, तो नगर सेवक लोग मिलके माननीय कमिश्नर साहब को इन्होंने लेटर दिए कि भाई रमज़ान के लिए 2-4 घंटे के लिए परमिशन चाहिए रोड के ऊपर। तो उन्होंने भी इनकी बातें मानी और परमिशन दे दिए। वो हिसाब से ये मार्केट उस टाइम पे फ्लॉप हो गई और पूरी मार्केट वहाँ पे उठ के फिर दोबारा चली गई। अभी ये ज़मीन जो यहाँ पर दी जा रही है, तो आप लोगों को कितने दिन के लिए यहाँ पर दी जा रही है? क्या परमानेंटली आप लोगों को यहाँ रहेंगे या फिर यहाँ से भी आप लोगों को तोड़कर हटाया जाएगा? हमारे को यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक का वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जब तक रोड का काम चालू है, आप वो यहाँ पे धंधा करो, और इसके जब हमको यहाँ से हटाएंगे तो कोई लीगल जगह हमको देंगे, पर्यायी जो जगह है, जो हॉकर्स जोन जिसको बोला जाता है लीगली, वहाँ पे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम वहाँ पे यहाँ से आपको उठाएंगे ना, तब वहाँ पे आपको शिफ्ट किया जाएंगे। आप लोगों भी शायद उड़ती उड़ती खबर हमको भी आई है और आप लोगों भी शायद मिल जाएगा कि गुलाब पार्क में इस साइड भी और उस साइड भी प्लॉटिंग मार्केट का टेंडर निकल चुका है जो 67 करोड़ का है। तो ये होने के बाद, अब ये रोड का काम होने के बाद शायद वो मार्केट का काम शुरू होने वाला है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए चाहे वो प्लॉट, गुलाब पार्क मार्केट जो है वो रोड के साइड में ही लगेगी, रोड के साइड में ही लगेगी 100%। यानी यहाँ से अगर आपको हटाया जा रहा है तो फिर जो रोड का साइड है वहाँ पर ही आप लोगों को बिठाया जाएगा? जी 101%। किसने आपको ऐसा आश्वासन दिया? हमारे को आश्वासन हमारे माननीय जितेंद्र रावत साहब जो हमारे आमदार हैं, उन्होंने दिए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको एक बार रोड से हटाया गया, फिर मित्तल में भेजा जा रहा है, फिर मित्तल से आपको हटाया जाएगा, फिर रोड पे भेजा जाएगा, यानी आप लोगों की कोई गारंटी है कि आप लोगों का कोई अस्थाई जगह है जो आप लोगों को मिलेगी, या सिर्फ रोड और मित्तल बस यहीं पर घूमते रहेंगे? देखिए, चूहा बिल्ली का खेल तो हो रहा है, ठीक है, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अभी रोड का काम शुरू है, अभी उसके अंदर हम अड़ंगा अड़ा नहीं सकते हैं। दी जा रही है वो कितने बाई फुट की है जगह है जो आप लोगों को? एक हाथ गाड़ी की जो जगह साइज देती है 6x6, वो आप माप लीजिए, देखिए 6x6 की जगह है, कोई ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं है, 6x6 की जगह है, और ये ओनली 400 मेंबर की जगह है, उसमें भी 80 गाले कम पड़ रहे हैं,
तो हमने कल धनंजय गोसाई सर को रिक्वेस्ट किए कि भाई हमारे 80 गाले कम पड़ रहे हैं, जो आपने जगह हमको माप के दिए थे उसके अंदर हमें जगह कम पड़ रही है, शॉर्ट कर रही है। तो उन्होंने हम कल आए और अपने गाड़ी से टेप निकाले और ये गटर का नाला दिख रहा है आपको ब्रेक में, ये नाले से ये दीवार से लेके 33 मीटर बोले 33 मीटर माप के तुम अपना काम इसके अंदर एडजस्ट करके ले लो। इसके पहले भी हॉकर्स को एमएम वैली में दुकानें दी गई थी, कुछ हॉकर्स वहां गए भी थे मगर सब्जियों की बिक्री नहीं हुई और सब्जियां सड़ने लगी, जिसके बाद वो भी वापस आ गए। गुलाब पार्क मार्केट को ट्रैफिक के लिए भी जिम्मेदार माना जा रहा था मगर मार्केट टूटने के बाद जो रास्ते की चौड़ाई बढ़ाई गई है अब वो एरिया पार्किंग एरिया में तब्दील हो रही है, वहां ऑटो कार टेम्पो सभी पार्किंग की जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हॉकर्स के लिए क्यों नहीं एक लीगल जगह दी जाती है, आखिर कब तक इन हॉकर्सों को यहां से वहां दौड़ाया जाएगा या फिर इन्हें कहीं अस्थाई जगह पर इन्हें व्यवसाय करने के लिए अधिकार दिया जाएगा या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।